हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। अडोब इलस्ट्रेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी भी कंपनी का कोई लोगो बनाना हो, उसके लिए किसी चैनल का लोगो बनाना हो, या फिर आपको विजिटिंग कार्ड या बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करने हो, या फिर 3D एफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना हो, तो वो सारे काम क्या होते हैं? अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। अब अडोब इलस्ट्रेटर का आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। हर वर्जन में काम सेम होता है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस के नेम चेंज होते हैं। हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है अडोब इलस्ट्रेटर CC, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अडोब इलस्ट्रेटर CC सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। अभी हमारे पास इसकी फाइल ओपन हो गई है। अब हम आज हमारा अडोब इलस्ट्रेटर CC के अंदर लेक्चर नंबर 2 है और हमारे टॉपिक का नाम है डिज़ाइन 3D स्टार लोगो। हम ठीक किस तरह से 3D इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शेप या किसी भी लोगो के ऊपर, ठीक है। हम एक स्टार क्रिएट करेंगे और उसको इस तरह का इफेक्ट देंगे कि वो ऐसा लगे जैसे 3D टाइप हो, ठीक है। तो हम अपना आज का अडोब इलस्ट्रेटर CC का सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 2, टॉपिक नेम डिज़ाइन 3D स्टार लोगो, स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमें उसके लिए पेज चाहिए होगा, क्योंकि हम शेप यानी लोगो बना रहे हैं, तो लोगो पेज के ऊपर ही बनता है। तो पेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। न्यू सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ पे अपनी फाइल का कोई भी नाम रख के फाइल सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, साइज सेट कर देना है, विड्थ एंड हाइट, और मार्जिन सेट करके आप यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। अब मैं हैंड टूल लेके अपने पेज को सेट कर रही हूँ सामने स्क्रीन पे, ठीक है, जहाँ पे मैं काम इजीली कर सकूँ। हमने स्टार लोगो बनाना है, 3D स्टार लोगो बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका फिल कलर है इसे ऊपर लाकर यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटलाइन कलर को ऊपर लेकर आएंगे। आउटलाइन कलर को ऊपर लाने के बाद डबल क्लिक करके यहाँ से हम ब्लैक आउटलाइन कलर लेकर ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, शेप्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे। लास्ट टाइम जो भी शेप आपने यूज़ की होगी वही आ रही होगी। शेप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टार टूल। स्टार टूल लेने के बाद आप उसे क्या करेंगे, पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका स्टार क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेके अपने स्टार का साइज सेट करेंगे और उसकी रोटेशन सेट करेंगे, यानी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहती हूँ जो मैं स्टार लोगो बनाऊँ इसके दरमियान में जो इसके कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ताकि जब मैं उनके अंदर कलरिंग करूं तो इस तरह से लगे कि जिस तरह से वो 3D टाइप इफेक्ट है। तो इन सारे कॉर्नर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे लाइन सेगमेंट टूल, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट टूल की शॉर्टकट की क्या है, स्लैश है। कीबोर्ड से आप स्लैश प्रेस करेंगे तो लाइन सेगमेंट टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने लाइन सेगमेंट टूल लेना है। अब यहाँ पे आप स्टार के ऊपर आएंगे तो यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है उस पर ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर का इस तरह से कलर आ रहा होगा। आपने क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट से लेकर शेप के बाहर तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से सेंटर पॉइंट से लेकर कॉर्नर से बाहर लेकर जाकर शेप के बाहर तक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। अब मैं चाहती हूँ कि अब इसी लाइन को आपने क्या करना है कि हर कॉर्नर के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। इसी मिड पॉइंट से जो आपने फर्स्ट लाइन का सिलेक्ट किया है यहाँ से लेंगे और शेप के बाहर तक इस तरह से हर कॉर्नर पर मूव करते जाएंगे हम इसे। इसी डॉट सेंटर पॉइंट से उठाएंगे और शेप के बाहर तक हम क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे।
से हमने क्या कर लिया, अपनी पूरी शेप के ऊपर इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमें इस पूरी शेप को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेंगे और पूरी शेप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपके फाइल में जितना भी काम होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि मैंने जो लाइंस ड्रॉ करके अलग अलग पार्ट्स शो किए हैं शेप के, इनको अलग अलग पार्ट्स में इसी तरह मैंने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, विंडो मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। विंडो मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा पाथ फाइंडर का, पाथ फाइंडर ले लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। तो यहाँ पर आपके पास पाथ फाइंडर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा डिवाइड का, ठीक है। आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो जो आपके स्टार होगा अलग अलग पार्ट्स में जो आपने लाइंस ड्रॉ करके शो किए थे उनमें डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, साइड पे क्लिक करेंगे। साइड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे हम मूव करें तो हर पार्ट अलग अलग शो हो रहा है। अब किसी भी पार्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, कलर फिल करना है। तो हम यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, आप चाहे टूल बार में से कलर ले लें या प्रॉपर्टीज बार में से ले लें। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे। प्रॉपर्टीज बार में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उस कलर को अगर आपने और डार्क करना है तो आप यहाँ से टूल बार में आएंगे, यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो एक हमारे स्टार का जो है कॉर्नर है वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो दो हिस्सों में जो डिवाइड किया हम एक हिस्से में डार्क कलर फिल करेंगे और एक हिस्से में उसी का लाइट कलर फिल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। ठीक है, आपको नजर आ रहा है जिस तरह से हम इस तरह से कलर डार्क, एक में डार्क और एक में लाइट कलर उसी का करते जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे स्टार को सिलेक्ट करना है। यहाँ से पॉइंटर टूल लेंगे, पूरे स्टार को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो कि क्या है, कंट्रोल है ए है, ठीक है। कंट्रोल ए सिलेक्ट करके आपने पूरे स्टार को सिलेक्ट किया। स्टार को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी आउटलाइन को ऊपर लेकर आएंगे और आउटलाइन को ऊपर लाने के बाद यहाँ से हम उस पर क्लिक करके आउटलाइन को क्लोज कर देंगे। आउटलाइन को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी से इस पूरे स्टार को ग्रुप कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो स्टार है वो किस तरह से लग रहा है, जैसे कि थ्री डी अफेक्ट, थ्री डी टाइप अफेक्ट दे रहा है आपका स्टार लोगो। हमने लाइट और डार्क कलर देकर उसको इस तरह से दे दिया कि आपका स्टार ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है और किस तरह का अफेक्ट दे रहा है, थ्री डी अफेक्ट दे रहा है। तो ये आपका आज का अडोब इलस्ट्रेटर CC सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 2 डिजाइन 3D स्टार लोगो कम्प्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह आप मजीद कोई भी लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।